Good morning, all of you. Good morning and happy Janmashtami to all of you. Lesson 18 आपके finish हो चुके हैं. Lesson 18 complete हो चुके हैं. आज हम देखेंगे चैप्टर 17, लेसन 18 आपके हो चुके हैं. आज हम मूव कर रहे हैं चैप्टर 17 में. स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. लेसन का नेम है आपके स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे और एक एक करके पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देंगे, तो पॉइंट्स भी आपके पास में आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप समझ भी लोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन द पॉइंट्स नोट्स ऑफ दिस लेसन. ये जो स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम है उसके नोट्स लिखवाए जा रहे हैं सबसे पहले आपको, तो आप सबसे पहले उसके नोट्स नोट डाउन करें और एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको पॉइंट्स, ताकि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए. We can see many celestial bodies in a clear night sky. Point 2 में हम देखेंगे यहाँ stars are one of the celestial body stars are one of the celestial body which emit their emit light, emit light of their own. Emit light of their own. The moon is a natural satellite. The moon is a natural satellite The moon is a natural satellite of the Earth. It revolves
राउंड द अर्थ इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अर्थ ऑर्बिट the different shape the different shapes different shapes of the bright visible part of the moon as seen as seen from the earth are called phases phases of the moon चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम हम देख रहे हैं. न्यू लेसन आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं. चैप्टर 18 आपके फिनिश हो गए हैं. चैप्टर 17 में फर्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं, वी कैन सी मैनी सेलेस्टियल बॉडीज इन द क्लियर नाइट स्काई. सबसे पहले हम जानेंगे सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है. सन मून जितना भी आपको क्लियर नाइट स्काई में जितना भी ऑब्जेक्ट्स आपको रात में आसमान में दिखाई देते हैं, उस सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. जितना भी ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नाइट स्काई में, क्योंकि दिन में तो हमें दिखाई नहीं देता है, रात में ही हमें दिखाई देता है, तो रात में हमें जितना भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं नाइट क्लियर नाइट स्काई में, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. पॉइंट नंबर टू में हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्टार्स आर वन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स एकमात्र वैसा सेलेस्टियल बॉडी है जिनका खुद का रोशनी होते हैं. एमिट द लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार्स को कोई दूसरों से रोशनी लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसके पास खुद का ही रोशनी होती है जो वो बिखेरता है. एमिट का अर्थ होती है बिखेरना. नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, द मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? अर्थ के नेचुरल सेटेलाइट. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑर्बिट, और मून अर्थ के ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करता है. ये मानो आपके अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है. और ये जो मून अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, उनमें उसका शेप बदलते जाता है. तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट के चारों ओर वो रिवॉल्व करता है. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट विजिबल पार्ट ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द फेजेस. ये जो शेप बदलता है मून, जो हम अर्थ से देखते हैं मून का शेप बदलते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून. क्या बोलते हैं उसको? फेजेस ऑफ द मून. आफ्टर एवरी 15 डेज द शेप ऑफ द मून बदलते जाता है.
और फिर न्यू मून आती है, फिर न्यू मून के बाद में हमें फुल मून दिखाई देते हैं। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। क्लियर टू यू? क्रम्पल पॉइंट नंबर थ्री में देख रहे हैं हम स्टार सन इज ऑल्सो वन ऑफ द वन सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। Which emit light? Which emit light? And is a great source. Is a great source of and is a great source of heat. It is the closest star and said and is the center and is the center of our solar system. इसके बाद में जो पॉइंट्स है वो हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन द ग्रुप ऑफ स्टार्स The group of stars which appear the group of stars which appear to form some recognizable
recognizable or recognizable shape or pattern. Or pattern is known as constellation. This group of stars or constellations this group of star constellations named after the object. Named after the objects which they seem which they seemed such as an animals or human being. The stars are millions of kilometer far from Earth. And form each other such distance are expressed in a unit known as light year. It is calculated by light. It is
the distance it is the distance taken traveled by light in 1 year. That is 9.46 into 10 to the power 12 kilometers. One year, that is I dot E. नोट हो चुके हैं सबके? साहिल चौधरी, कौशल सैनी, नीरज, सबने नोट कर लिया? भूमिका शेखावत, हैव यू नोटेड डाउन? अब ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सुनना और समझना। सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। सन को भी हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। व्हिच एमिट लाइट, सन को भी हम स्टार कहते हैं। सन भी क्या बिखरता है? लाइट बिखरता है। एंड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट, हीट एंड लाइट दोनों ही बिखरता है। कौन? सन। सन को भी हम क्या कहते हैं? स्टार। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार। सन हम लोगों के क्लोजेस्ट होने के कारण एंड इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के सेंटर में सन जो है वो मौजूद होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली। क्या बोले जाते हैं? सोलर फैमिली। क्यों बोले जाते हैं सोलर फैमिली? क्योंकि सन सेंटर में है और सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्लियर टू यू? नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेलेशन। किसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन, ये जानेंगे हम यहाँ पर। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच अपीयर, जैसे देखने को लगता है, फ्रॉम सम रिकॉग्नाइजिंग शेप, कुछ शेप बनाता हुआ हमें ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ शेप बनाता हुआ नजर आता है या पैटर्न बनाता हुआ नजर आता है, इज नोन एज अ कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन के नाम पे जानते हैं। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस नेम्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको कुछ नेम दिया जाते हैं। वह ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नेम जो होते हैं उसका एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग पर ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें सप्तऋषि, ओरियन और बहुत सारे जो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये तारों का समूह को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स अर्थ से कोई मिलियन किलोमीटर दूर है, एंड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से भी दूर है और हमसे भी दूर है। सच ए डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। वे जो डिस्टेंस है, दूरियां है, उसको एक्सप्रेस यानी कि दर्शाया जाता है किससे? यूनिट से। कौन सा यूनिट से? लाइट ईयर। कौन सा यूनिट से? लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? इट इज अ डिस्टेंस, दूरिया ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जो लाइट ट्रेवल करता है इन 1 ईयर, एक साल में।
डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल्ड इन वन ईयर, जो दूरियां लाइट ट्रेवल करता है एक साल में, दैट इज 9.46 × 10^12। 10^12 क्यों दिया गया यहाँ पर? क्योंकि 12 महीना में लाइट कितना ट्रेवल करता है उसका कैलकुलेशन को हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्लियर टू यू? आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? भूमिका, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वंस अगेन, लिसन केयरफुली। सर, सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। सर को, सन को भी हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। व्हिच एमिट लाइट एंड हीट, जो बिखेरता है, क्या चीज बिखेरता है? लाइट और हीट बिखेरता है। ग्रेट सोर्स ऑफ इट, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार। सन जो है हम लोगों के निकटतम, यानी कि पास होने के कारण, और उसको हम क्या बोलते हैं? सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और सन जो है वो सोलर सिस्टम के ठीक बीचों बीच मौजूद होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सोलर फैमिली। क्या बोलते हैं उसको? सोलर फैमिली। क्योंकि सोलर फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड करते हैं। क्लियर टू यू? भूमिका, समझ में आया ये पॉइंट आपको? आगे देख रहे हैं हम, कॉन्स्टेलेशंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। द ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच अपीयर टू फॉर्म, जो देखने के लिए लगता है सम रिकॉग्निजेबल शेप, कुछ आकार बनाता है। ग्रुप ऑफ स्टार कुछ आकार बनाता है या पैटर्न बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। क्या कहते हैं उसको? कॉन्स्टेलेशंस। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर ऑल कॉन्स्टेलेशंस नेम्ड आफ्टर, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम के अकॉर्डिंग उसको कोई नाम दिया जाते हैं, उसको हम कैसे देते हैं नाम? या तो एनिमल्स का कोई नाम देते हैं उसको, या कोई ह्यूमन बींग्स का कोई नाम देते हैं। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि का नाम सुना होगा आपने, सेवन स्टार्स का एक ग्रुप है, एक पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि भी क्या है आपके? कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्टार्स आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ। स्टार्स जो है अपने से मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर दूर है, फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से भी, अपने से भी और एक दूसरे से भी। सच डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, ये जो दूरिया है उसको एक्सप्रेस यानी कि दर्शाया जाता है किससे? कुछ यूनिट से, नोन एज लाइट ईयर। ये जो यूनिट, जिस यूनिट से उसका दूरिया को दर्शाया जाता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं उसको? लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस, ये क्या है? वह दूरिया है जो ट्रेवल बाय द लाइट, जो लाइट ट्रेवल करता है इन वन ईयर, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करता है उसका कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वन लाइट ईयर? 9.46 × 10^12 किलोमीटर। 10^12 किलोमीटर क्यों? यहाँ पे हमने वन ईयर बोला, वन ईयर में कितना महीना होती है? 12 महीना होती है, 12 मंथ्स होते हैं, इसीलिए 9.46 × 10^12 किलोमीटर के हिसाब से लाइट ईयर का कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर टू यू भूमिका? पॉइंट नंबर फोर पॉइंट चले, नाउ वी आर गोइंग टू सी फोर्थ पॉइंट।
स्टार्स आर आर मेनी लाइट ईयर अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ मैनी लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड दस लुक very small from earth five point stars appear Stars appear to travel from east to west. Six point pole star. Pole star is the most pole star is the most shining star is the most shining star in the night sky. In the night sky, the pole star appears stationary. The pole star appears stationary. It is situated It is situated near axis of rotation of earth and thus and is thus helpful helpful in finding directions Stars are many light year away from the earth. Stars many light year away from the earth, thus
लुक वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमने को अर्थ से देखने के लिए बहुत छोटा लगता है। स्टार्स अपीयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, स्टार्स हमें लगता है ट्रेवल कर रहा है कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट में। क्यों लगता है ईस्ट टू वेस्ट में हम ट्रेवल कर रहे हैं स्टार्स को, क्योंकि अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। जब हम गाड़ी से चलते हैं, अपने को जब हम गाड़ी से चलते हैं सारा चीज़ अपने को बैकवर्ड जाता हुआ नजर आते हैं, ठीक उसी तरह से ही स्टार्स अपीयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्यों अपीयर करता है, क्यों लगता है हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। पोल स्टार इज द मोस्ट शाइनिंग स्टार, सबसे चमकीला स्टार कौन सा है, पोल स्टार। क्यों, नाइट स्काई में दस पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी, इसीलिए पोल स्टार एक अनोखा एक अलग सा स्टार लगता है देखने के लिए। क्यों लगता है अलग सा स्टार, क्योंकि वह स्टार सबसे ज़्यादा शाइन करता है। इट इज सिचुएटेड नियर द एक्सिस, अर्थ का एक्सिस होता है दो, एक तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। सो उसका अपीयर कहाँ पे होती है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो रोटेट करता है उसका एक्सिस में ही उसका अपीयरेंस होते हैं। इसीलिए दैट इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, इसीलिए वे हेल्पफुल होता है ताकि हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।